हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द तख्त जान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सो फ्रेंड्स हमने एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन के ऑलरेडी थ्री सिस्टम्स पढ़ लिए हैं जिसमें हमने बैंथम एंड हुकर सिस्टम पढ़ा था देन एंगलर एंड प्रांटल एंड देन लास्ट वीडियो में हमने जॉन हचीसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी फिनिश कर लिया था ओके सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम दे वांट द पीडीएफ वो पीडीएफ चाहते थे सो so फ्रेंड्स अगर मैं आपको मेरी एडवाइस दूँ सो फ्रेंड्स इट्स बेस्ट वे दैट यू राइट माय नोट्स इन योर नोटबुक सबसे बेस्ट तो यही है कि आप लिख लो इन्हें अच्छे से आपके रजिस्टर में आपको किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं होगी क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही आप लिखोगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपको याद होंगे नोट्स और आप आप अच्छे से टॉपिक को समझ जाओगे बट फिर भी बहुत लोगों ने बोला था कि उन्हें डायरेक्ट पी चाहिए सो फ्रेंड्स मैंने एक ऐप है दैट इज नोट जन या नोट जन एन ओ टी ई एस जी ई एन सो फ्रेंड्स इस ऐप पर मैंने मेरे सारे ही नोट्स अपलोड किए हैं आपको क्या करना है जस्ट इस ऐप को इंस्टॉल करना है एंड देन आप पूरी तरह से फिलिंग्स uh, कर लोगे फिल कर लोगे आपकी इंफॉर्मेशन देन आपको केवल सर्च करना है या तो आप टॉपिक का नेम सर्च कर दीजिए या बेस्ट तो यही है फ्रेंड्स कि आप मेरा नेम या मेरा चैनल का जो नेम है ऑब्वियसली मेरा नेम है जानवी जोशी आप आ, लिख लीजिए और कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए नोट्स सो so, फ्रेंड्स आपको मेरे अपलोड किए हुए आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे और वो एज इट इज वही नोट्स है जो मैं इस वीडियो में आपको जिसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ जो नोट्स ओके सो फ्रेंड्स ये उनके लिए जो पीडीएफ चाहते हैं देन एज यू विश

और इन्होंने भी क्या किया है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया था एंजियोस्पर्म्स का अब उनके सिस्टम में क्या किया था इन्होंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए थे लाइक like फ्रेंड्स हमने पहले भी जितने भी सिस्टम्स पढ़े सब में साइंटिस्ट क्या करते थे अगेन एंड अगेन रिविजन्स करते थे मॉडिफाई करते थे So, उनके जो आ, कुछ मॉडिफिकेशंस थे वो उन्होंने क्या किया था एक इंग्लिश क्योंकि ऑब्वियसली रशिया के थे तो रशियन लैंग्वेज होती है अलग होती है तो उन्होंने सारी जो पब्लिकेशंस थी वो इंग्लिश में पब्लिश की थी उनकी उनकी मॉडिफिकेशंस वो किस में 1969 में और वो भी उनकी बुक का क्या नाम था फ्लावरिंग प्लांट्स ऑरिजिन एंड डिस्पर्जल इस वाली बुक में इन्होंने फ्रेंड्स विद द मॉडिफिकेशन जो लेटेस्ट जो इन्होंने मॉडिफाई किया था रिवाइज किया था उसके बाद उन्होंने जितनी भी आ, जो

सिंगल या सेम टेक्सॉन से बिलीव बिलोंग करता है इट मींस जो सेम एक कैटेगरी है उसी के ही डिसेंस्टर्स हैं सो so, इन्होंने क्या किया था सारे एनजियोस्पम्स को एज अ मोनोफाइलेटिक कंसीडर किया था और इन्होंने कहा था कि जब जिम्नोस्पम्स है जो एंशियंट ग्रुप इट मींस जो जिम्नोस्पम्स हैं उन्हीं के इवोल्यूशन से ही आ, उन्हीं से ही डिराइव हुए हैं कौन एंजियोस्पर्म्स ओके सो so, अब उनके जैसे प्रिंसिपल्स लाइक like, फ्रेंड्स ये एकदम मैंने आपको बताया है कि जो मैं वीडियोस में आप अपलोड करती हूँ लाइक like, को ये भी कमेंट्स आए एक जन ने ये भी कमेंट किया था कि मैम हम एज इट इज नोट्स लिख सकते हैं एग्जाम में आंसर अगर ये एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आता है सो फ्रेंड्स आई स्वेर आप इसको एज इट इज लिख सकते हो

इन्होंने भी तख्त ने भी क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग दिया था जो एडवांस्ड फीचर्स और प्रिमिटिव फीचर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया था सो so, uh, मैंने एक टेबल के वे में बना रखा है सो फ्रेंड्स डीज आर कैरेक्टर्स देन प्रिमिटिव और एडवांस्ड ओके सो उन्होंने फर्स्ट ग्रोथ हैबिट का अगर कैरेक्टर देखे सो so, उन्होंने कहा था जो वुडी हैबिट है इट मीन्स जैसा कि जॉन हचिसन में भी देखा था जो वुडी प्लांट्स होते हैं वुड्स वाले जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो सारे प्रिमेटिव हैं और जो हर्बेशियस हैबिट है इट इटमीन्स जो छोटे हर्ब्स होते हैं वो किसमें वो एडवांस्ड प्लांट है एडवांस्ड एनजियो फॉर्म है और जो वुड्स वुडी हैबिट है इट मीन्स जो ट्रीज है या श्रब्स है वो किस में आते हैं वो प्रिमिटिव फॉर्म है देन स्मॉल वुडी एनजम्स जो है इटमीन्स स्मॉल ट्रीज जो होते हैं लाइक like हम हमारे सराउंडिंग्स में जो देखते हैं फ्रेंड्स वो सारे प्रिमिटिव है और जो लार्ज ट्रीज है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें सो उनमें बहुत ही बड़े, बड़े बड़े लंबे लंबे, लंबे ट्रीज होते हैं तो वो सारे एडवांस्ड फीचर्स है ट्रीज का हो गए देन स्पेरिंगली ब्रांच डे इट मीन जो शॉर्ट ब्रांचेस जिन ट्रीज की होती है वो प्रिमिटिव फीचर है और जिनकी न्यूमरस स्लेंडर ब्रांचेस

प्रेजेंट होती है एंड कंपाउंड लीव्स क्या होती है एक नोट से निकल करके इनमें फर्दर इस टाइप की uh... इसका पार्टीशन होता है सो so, इसे क्या कहते हैं हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं ओके फ्रेंड्स देन वेनेशन वेनेशन और पैरेलल भी हमें पता है कि पैरेलल वेनेशन में क्या होता है सिंपल पैरेलल लीव्स होती है ओके okay, इस टाइप से वेनेशन होती है होते हैं एंड रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स बहुत सारे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक वेब एक जाल हो उस टाइप का इनमें वेनेशन होते हैं वेन्स जो होती है वो एक वेब की तरह एक नेटवर्क की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है ओके देन अल्टरनेट या अपोजिट लीव्स सो अल्टरनेट फ्रेंड्स कोई भी स्टेम है इसमें से एक यहाँ लीव्स जा रही है दिस इज देन दिस देन दिस सो इट ऑपोजिट है एक दूसरे के ऑपोजिट है और अल्टरनेट मीन एक यहाँ पर है एक यहाँ है देन दिस देन दिस देन सो इस का जो होगा वो क्या कहेंगे अल्टरनेट एंड दिस इज ऑपोजिट ओके okay, जो आमने सामने ही सीधे लीव्स उन्हें हम ऑपोजिट लीव्स कहते हैं देन स्टोमेटा सो स्टोमेटा आपको पता है ये जो रेस्पिरेशन में काम आता है या फोटोसिंथेसिस में जिनसे गैसियस जो होती हैं गैसेस जो होती है उनका क्या होता है एक्सचेंज होता है प्लांट बॉडी से सो so, मीजोजिनस और पेरीगानस टू टाइप के क्या होते हैं स्टोमेटा होते हैं फ्रेंड्स सो मीजोजीनस और पेरीजीनस क्या होता है मीजोजीनस वो होता है कि जो स्टोमेटा होता है ऑब्वियसली आपने फ्रेंड्स स्टोमेटा का क्या होगा स्ट्रक्चर देखा होगा सो so, स्टोमेटल जो पोर होता है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं गार्ड सेल्स लगे हुए होते हैं और गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटल पोर होता है सो गार्ड सेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स उनके भी चारों तरफ क्या होते हैं सब्सिडरी सेल्स होते हैं सो so, ये दो है एक फीचर्स एक तो क्या है जो सब्सिडरी सेल्स जिनमें प्रेजेंट होता है ये भी एक तरह का प्रिमेटिव फीचर है और आजकल के ऐसे भी न्यू इट मीस इवॉल्व्ड एनजीओ ऐसे भी हैं कि जिनमें सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते सो दिस इज एडवांस्ड फीचर अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मीजोजीनस टाइप क्या होता है जिसमें सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल्स दोनों सिंगल मदर सेल्स से ही क्या हुए हैं इवॉल्व uh, हुए इट सिंगल मदर सेल जो है प्लांट uh, का वही क्या हो गया ब्रेक होकर के सेल डिवीजन के बाद आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या हुआ गार्ड uh, सेल्स और सब्सिडरी सेल्स में uh, क्या हुआ है वो चेंज हुआ है ओके सो दैट इज कॉल्ड मीजोजीनस टाइप और पेरीजीनस टाइप क्या होता है फ्रेंड्स ये ऐसे स्ट्रोमेटल पोर्स होते हैं जिसमें uh, ऐसा स्टोमेटा होता है जिसमें गार्ड सेल्स और जो

से हम कह सकते हैं सिंपल और कंपाउंड लीव्स जो होती है बस वही वाला है सिंपल लीव्स किस में होंगी जो यूनिलेक्यूनर है जिसमें से एक ही लीव uh, अराइज हो रही है और ट्राई टू पेंटा इट मीन एक ही नोड पे बहुत सारे Uh, जो लीव्स uh, अराइज हो रही है सो तो उसे हम क्या कहेंगे ट्राई टू पेंटा लेक्यूलर टाइप नोडल स्ट्रक्चर कहा कहते हैं ओके okay? या कहा जाता है देन इन्फ्लोरसेंस सो फ्रेंड्स इन्फ्लोरसेंस आपको पता है जो फ्लार का जो पूरा पार्ट uh, होता है फ्लार और फ्लार के साथ जो स्टेम है इट मीन्स जिसे हम हेड भी कह सकते हैं प्लांट का सो तो उसे हम इन्फ्लोरसेंस बोलते हैं सो तो वो टू टाइप्स के होते हैं एक तो साइमोस और रेसमोस साइमोस जो है वो प्रिमिटिव टाइप है साइमोस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी प्लांट है या कोई भी पार्ट है उसका जो फ्लावर है वो ऊपर होगा इट मीन्स ये फ्लावर है दीज आर फ्लावर और ये प्लांट था इट मीन्स यहाँ पर इस प्लांट की ग्रोथ रुक गई क्योंकि अब इसके आगे तो ग्रोथ होना नहीं है क्योंकि दीज आर फ्लावर्स फ्लावर्स यहाँ पर ग्रो हो गए और फिनिश हो गई बट रेसमोस क्या होता है लाइक दिस इज द फ्लावर और ये यह यहां ऊपर ग्रो करता जा रहा है और जो फ्लावर्स हो रहे हैं वो उनकी लेटरल पोजिशन पे ग्रो हो रहे सो फ्रेंड्स so, इसको क्या कहते हैं हम रेसमोस टाइप इन्फ्लोरसेंस बोलते हैं और जो सीधे अबाउट टर्मिनल पोजिशन पे जब फ्लावर्स अराइज होते हैं उसे हम उस इन्फ्लोरसेंस को हम क्या बोलते हैं साइमोस इंफ्लोरसेंस बोलते हैं ओके देन हम फ्लोरल स्ट्रक्चर की अगर बात करें सो क्या होता है जो फ्लोरल पार्ट है वो अगर इनडिफाइनाइट है इट मीन बहुत सारे नंबर में है बहुत सारे फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट है और स्पाइरली अरेन्ज है इट मीन्स एक दूसरे से जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है यहां वहां लाइक हम अल्टरनेट टाइप भी कह सकते हैं तो सो स्पाइरल अरेंजमेंट है और इलांगेटेड एक्सिस होती है सो तो फ्रेंड्स नाम ही क्लियर है इलांगेटेड मीन्स बहुत लंबी एक्सिस है जो फ्लॉर्स की एक्सिस होती है जिसके ऊपर क्या है दिस इज एक्सिस और चारों तरफ क्या होंगे फ्लार्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं और इसो इसलिए ये इलांगेटेड एक्सिस है इट मीन्स इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लावर पार्ट्स होंगे बहुत सारे होंगे हम गिन नहीं सकते इट मीन कितने भी हो सकते हैं so, सो एक तो ये टाइप होता है और ये क्या है प्रिमिटिव फीचर है एंड दूसरा फ्लोरल स्ट्रक्चर का होता है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्लोरल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जो फ्लावर है उसके पार्ट्स फिक्स्ड नंबर में होंगे और साइक्लिक पैटर्न में होंगे इट रिपीटेशन के साथ और उसकी जो एक्सिस होती हो, कैसी होती है, होती शॉर्ट है ओके okay? और पहले प्रिमिटिव फीचर में इलांगेटेड एक्सिस होती है सो so इनडिफाइनाइट है एंड शॉर्ट एक्सिस एक्सेज मीन फिक्स्ड नंबर है ये फ्रेंड्स आप याद रखना ओके देन पोलन ग्रेन्स की बात आती है सो फ्रेंड्स पोलन ग्रेन्स का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके चारों तरफ दो क्या होती है लेयर्स uh, बनी हुई होती है एक एग्जाइन और एक इनटाइन आपको पता होगा जो इनटाइन होती है वो इनर लेयर होती है पोलन ग्रीन की और एग्जाइन होती है वो आउटर लेयर होती है आउटर कवरिंग होती है सो so, जो एग्जाइन होती है सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि एग्जाइन के बाहर भी कुछ स्कल्प्टरिंग होती है उसके ऊपर पे कवरिंग होती है सो दिस इज द एडवांस्ड फीचर जिसमें एग्जाइन के बाहर भी क्या है कुछ स्कल्प्टरिंग है या कवरिंग है और ऐसे पोलनग्रेन्स जिसमें एग्जाइन के बाहर कोई भी स्कल्परिंग कोई भी कवरिंग नहीं है सो so उसे क्या हम किसमें काउंट करते हैं फ्रेंड्स दिस इज प्रिमिटिव फीचर एंड इट इज एडवांस्ड फीचर ओके देन मोनोकॉल्पेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अगर हम देखें सो मोनोकॉल्पेट वो होता है फरो uh, होती है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फरो आपको पता है दैट इज लाइन मैंने छोटा बना दिया सो दिस टाइप की जो फरो होती है लाइन प्रेजेंट होती है सो so, मोनोकॉलपेट आती है अगर सिंगल लाइन है मोनो मीन्स सिंगल और ट्राईकॉलपेट मीन्स लाइक दिस इज द पोलन uh, ग्रेन और इसमें इक्वल बराबर इंटरवेल्स uh, के टाइम पे जिसके चारों तरफ uh, क्या होती है लाइंस थ्री लाइंस प्रेजेंट होती है एक तरह से फरोज प्रेजेंट होती है सो उसे हम ट्राईकॉल्पेट क्या बोलते, है? बोलते है. uh, friends, है, है? हैं पोलन ग्रेन्स बोलते हैं अब फ्रेंड्स मोस्टली जो मोनोकॉल्पेट होते हैं पोलन ग्रेन्स वो किसमें प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में ही प्रेजेंट होते हैं और जो ट्राईकॉलपेट होते हैं वो किसमें डाइकॉट्स या डाइकॉटिलिडॉन्स में प्रेजेंट होते हैं देन फ्रेंड्स एपोकार्पस एंड सिनकार्पस गायनोशियम आपको पता होगा एपोकार्पस मीन्स क्या होता है जो पेटल्स होते हैं या कार्पल जो होते हैं वो कैसे होते हैं आ, फ्री पेटल्स होते हैं प्रेजेंट होते, है, होते हैं फ्री कार्पल प्रेजेंट होता है और सिंह कार्पस में क्या होता है कि जो जितने भी पेटल्स होंगे वो एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं देन फ्रेंड्स टू टाइप्स के होते हैं एक एनाट्रोपस एंड दूसरे अदर टाइप्स इट मीन एक तो एनाट्रोपस जो ऑव्यूल होता है वो प्रिवेंटिव uh, फीचर है और जो दूसरे टाइप्स हैं इसके हेमीट्रॉपस ऑर्थोट्रोपर्स देन कैंपलाई कैम्पलाई कैम्पलाइलोट्रॉपस देन सिरसिनोट्रॉप एटसेट्रा फ्रेंड्स ये दूसरे टाइप्स होते हैं सो एनाट्रोपस जो अव्यूल है अब ये सारे फ्रेंड्स टाइप्स क्या हैं सो ये जो अव्यूल होता है प्लांट में उसका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं जो एनाट्रॉपस जो अव्यूल होता है वो प्रिमिटिव फीचर है सो इसका स्ट्रक्चर है ये फ्रेंड्स इस पे डिपेंड करता है आपने अगर आपने ऑब्वियसली लोअर क्लास में फ्रेंड्स किसके बारे में पढ़ा होगा अ जो रिप्रोडक्शन होता है इन एनजोस्पम्स की इसके बारे में जब आपने पढ़ा होगा सो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं जिसमें माइक्रोपाइलर एंड फ्यूनिकल न्यूसीलस ये सब पार्ट है ओव्यूल के सो इसके स्ट्रक्चर पे ही हमने क्या कर रखा है टाइप्स और ओव्यूल्स हम पढ़ते हैं टाइप्स जो होते हैं ओव्यूल्स के अलग अलग सो so उसमें जो जितने भी टाइप्स है दूसरे जो टाइप्स है वो सारे तो एडवांस्ड फीचर है बट जो एनाट्रोपस्ट ओव्यूल जो है वो क्या है एक प्रिमिटिव फीचर है देन फीमेल गैमेट जो बोल सकते हैं उसके बाहर केवल एक ही लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं न्यूसिलर एपिडर्मिस बोलते हैं सो so, फ्रेंड्स जिसमें जिस ऐसे जिस मेगा स्पोर या ऐसे ओव्यूल जिसके मेगास्पोरिया या जिसके सेल के चारों तरफ केवल एक ही लेयर प्रेजेंट है जिसे न्यूसीलर एपिडर्मिस बोलते हैं सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है तो वो है क्रेसी न्यूसीलेट और ऐसा मेगास्पोर या ऐसा मदर सेल जिसके बाहर बहुत सारे इट इटमीन्स कुछ पेराइटल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड देन उसके बाहर न्यूसिलियस एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है सो फ्रेंड्स इवेंचुअली इसके बाहर क्या है बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है सो so, ऐसा जो ऑब्यूल का स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं टेनन सिलेट बोलते हैं हम पॉलिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं एंटोमोफोली एंड एंटोमोफिली एंड एनिमोफिली सो एंटीमोफिली so, क्या होता है फ्रेंड्स जिसमें जो पॉलिनेशन होता है सो पॉलिनेशन ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन या मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट ओवरी उसे ही हम पोलिनेशन बोलते हैं सो तो एंटोमोफिली के थ्रू भी हो सकता है इट मींस विंड के थ्रू बहुत तेज हवा चल रही थी तो पोलन ग्रीन क्या हो गए उड़ करके मेल पार्ट से दूसरी जगह चले गए फीमेल पार्ट पर चले गए और फर्टिलाइजेशन हो गया एंड रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया इसे हम कहते हैं सो so, एंटोमोफीली क्या होता है ट्रांसफर बाय विंड या पॉलीनेशन so, बायसिबल है एंड एनिमोफिली एनिमोफिली मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स पॉलीनेशन बाय इंसेक्ट इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलीनेशन हो रहा है इंसेक्ट कहीं किसी फ्लार पर बैठे और क्या हुआ उनकी जो बॉडी होती है जो पोल होते हैं स्टिकी नेचर के होते हैं तो उनके जो विंग्स है या उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं फ्लारे uh, से उड़ा और दूसरी जगह बैठा ग्रेन so, uh, स्टेपकेशन so, हो गया सो इट इज द एडवास्ड फीचर ये एडवांस्ड फीचर है एंड दिस इज द प्रिमिटिव फीचरते हैं एम्ब्रियोसेक की या हम बात कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन की सो so, फ्रेंड ये भी टू टाइप्स एक होता है मोनोस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक इट मीन्स मोनोस्पोरिक जो टाइप होता है का वो क्या होता है जिसमें फ्रेंड्स जो सिंगल मेगा स्पोर है या सिंगल uh, फीमेल uh, गैमेट है जिससे क्या हुआ जिससे uh, एम्ब्रोसेक का फॉर्मेशन हुआ इट मीन सिंगल मेगा स्पोर ही क्या कर रहा है uh, एम्ब्रोसेक का फॉर्मेशन करता है सो so, उसे हम क्या बोलते हैं uh, उसे हम मोनोस्पोरिक टाइप बोलते हैं

मेंबर्स हैं टेट्रॉट के वही क्या कर रहे हैं उनके न्यूक्लियर फर्दर डेवलपमेंट करके जब एमरियोसेक का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप आ, फर्टिलाइजेशन या से कहते हैं देन सो सीड्स की बात करें तो एक तो क्या है फीचर एबेंडेंट एंडोस्पम विद अ माइन्यूट एंड अनडिफ्रेंशियट एम्ब्रियो सो फ्रेंड्स यू नो अबाउट एंडोसपम थ्री फ्यूजन हम कहते हैं या ट्रिपल फ्यूजन फ्रेंड्स जो बोलते हैं uh, प्रोसेस बहुत फेमस है एग्जाम्स में पूछी भी जाती है ट्वेल्थ बोर्ड की अगर हम बात करें सो एबेंडेंट एंडोस्पम जो होता है एक तरह से न्यूट्रीशन प्रोवाइड जो करता है एम्ब्रियो uh, को सो so फ्रेंड्स ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं एनडियोसपम्प होते हैं जिसमें जो एंडोस्पम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है विद अ माइन्यूट एंड अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियो इट मीन्स जो एम्ब्रियो है वो बहुत छोटा माइन्यूट है छोटा सा और अनडिफ्रेंशिएटेड है जिसके चारों तरफ एंडोस्पम है वो बहुत ज़्यादा है सो so ये तो प्रिमिटिव फीचर हो गया और ऐसे प्लांट्स जिसमें एंडोस्पम कम है, reduced है, और जो एम्ब्रियो है वो बड़ा है और differentiated है, so, ये two types के होते हैं की बात फ्रूट्स so, में भी फ्रेंड्स टू टाइप्स होते हैं एक मनी सीडेड फॉलिक्यूलर फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशिया सो एपोकार्पस गायनोशियम हमने ऊपर अभी पढ़ा था एपोकार्पस में क्या होगा जो पेटल्स होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं जो पिस्टिल होता है जो सॉरी पिस्टिल या कोरोला हम जिसे कह सकते हैं सॉरी कार्पल हम जिसे कह सकते हैं सो तो कार्पल कैसे होते हैं जो फ्री होते हैं उसे हम एपोकार्पस गाइनोशियम बोलते हैं सो तो इनसे जो डिराइव्ड होते हैं इनसे जो डेवलप्ड होते हैं मल्टी कार्पेलरी वर्ड आया है ना फ्रेंड्स जो बहुत सारे कार्पल्स होते हैं सो तो इनमें क्या होता है ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे जो फ्रूट होता है उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स तो ये जो सिस्टम है या ये जो हम फीचर कह सकते हैं हम इसे क्या कह सकते हैं uh, इसे हम पुराना या प्रिमिटिव फीचर कह सकते हैं एंड देन एडवांस्ड फीचर दैट इज सिनो फ्रूट्स जिसे फ्रेंड्स हम सीनोकार्पस uh, नहीं uh, इसे हम सिपस भी कह सकते हैं ओके दिस इज एपोकार्पस फ्रूट्स भी बोलते हैं हम इन्हें और इन्हें हम सिपस फ्रूट्स uh, भी कहते हैं सो फ्रेंड्स इसका मीन्स क्या हुआ सिन फ्रूट्स, फ्रूट सो सिन कार्पस फ्रूट मीन्स फ्रेंड्स इनके जो ये जो फ्रूट होंगे वो किससे हो रहे सिंगल गायनोशियम से इट मीन्स जिनमें ज्यादा या मल्टी कार्पेलरी का फंक्शन मल्टी कार्पेलरी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें टू या ज्यादा दो या तीन इट मींस थोड़े से ही या ज्यादा कार्पल्स जो होते हैं हो, फ्यूज फॉर्म में होते हैं फ्यूज होते हैं एक दूसरे से सो so, जैसे कि सिन गायनोशियम का स्ट्रक्चर होता है फ्यूज पेटल्स जो कार्पल्स होंगे वो फ्यूज होंगे और इनके जो सीड्स होंगे वो कितने होंगे वन और टू ही होंगे ये मैनी सीडेड फ्रूट नहीं होता है वन और टू सिंगल या डबल सीड्स फ्रूट प्रेजेंट होता है सो दिस इज प्रिमेटिव फीचर एंड दिस इज एडवांस्ड फीचर नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स की जो तख्त जान सो so यहाँ पर हमारे जो प्रिमेटिव और एडवांस जो फीचर्स की जो हमने टेबल बनाई थी वो यहाँ फ्रेंड्स फिनिश होती है अब एक बार हम क्लासिफिकेशन देख लें

कैरियो फाइली डे एस्टरी डे ले डेमे हेमेमी लीडेनि डी डे देन डायलैनी डे रोजी डे एंड कॉर्नी डे देन लिलियडा जो फ्रेंड्स मोनोकॉटिलिडॉन्स का जो क्लास थी उसको उन्होंने सिक्स क्लासेज में डिवाइड किया था लिली डे कॉमिली डे देन एरे एरिसन एलिस मैटिडे ट्रायर डी ट्रायर डे ट्रायडे एंड एरीडे सो फ्रेंड्स नेम ही कितने कॉम्प्लेक्सड है हम पढ़ करके समझ सकते हैं सो so फ्रेंड्स इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर सब क्लासेज याद नहीं होती है बट एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि इलेवन सब क्लासेज में डिवाइड किया था एंड सिक्स सब क्लासेज में डिवाइड किया था और कुछ कुछ फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा भी लिखते हैं एग्जाम के, कि जो आ, सब क्लासेस की जो लिस्ट थी वो स्टार्ट कहां से होती है और एंड कहां से होती है लाइक like, उन्होंने डिवाइड किया था मैग्नोली को इलेवन सब क्लासेस में और स्टार्ट हो रही थी मैग्नोलिडे से एंड एंड हो रहा था कॉर्नीडे से सो फ्रेंड्स फर्स्ट और लास्ट भी कुछ स्टूडेंट्स को याद रहते हैं और वो अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए या इलेबोरेट करने के लिए ये भी ज्वाइन कर लेते हैं बट जरूरी नहीं है कि आपको सारी सब क्लासेस याद हों ओके इट्स ओके देन सिनॉपसिस अगर हम फ्रेंड्स देखें एंड में समरी अगर देखें सो मैग्नोलिपसीडा को मैग्नोलियोपसीडा को तख्त ने इलेवन सब क्लासेस में डिवाइड किया था देन इन क्लासेस को फर्दर फिफ्टी सिक्स सुपर ऑर्डर एंड फोर एटी एट फैमिलीज में डिवाइड किया था ओके फ्रेंड्स देन लिली ऑफ सीडा को सिक्स सब क्लासेस सिक्सटीन सुपर ऑर्डर्स थर्टी एट ऑर्डर एंड वन हंड्रेड फोर फैमिलीज में उन्होंने डिवाइड किया था एंड फ्रेंड्स आई ट्रस्ट वी देन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑफ एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिनोपिस जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बोला था ये आपको आपके माइंड में फिट होना चाहिए क्योंकि अगर आप इस टाइप से भी बना दोगे ना तो केवल इतना बनाने के ही आपको एग्जामिनर वन और टू मार्क्स दे देगा

चर जो इन्होंने ने अडॉप्ट किया था वो फ्रेंड्स किसके अकॉर्डिंग किया था आईसीबीएन सो so, आपको आईसीबीएन की फुल फॉर्म याद होगी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमिनक्लेचर ओके सो आई सी बी एन के अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्या किया था सबको जो नॉमिनक्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया था या आई I मीन mean, जो नॉमिनक्चर उन्होंने नेम दिए थे सारे ऑर्गेनिजम्स को सारे प्लांट्स को वो इसके अकॉर्डिंग दिए थे देन उन्होंने जो फैमिलीज करी थी एकदम स्मॉल करी थी और होमोजिनस यूनिट थी इट मीनस एकदम प्रॉपर वे में था यू नहीं कि जो क्लोजली रिलेटेड है जो फैमिलीज है वो दूर दूर है जो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं है वो उन्होंने पास में ले ली नहीं उन्होंने एकदम स्मॉल फैमिलीज बनाई थी और होमोजिनस यूनिट्स बनाई थी एक जैसी मेड अप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा इट मीन्स जितने भी फैमिलीज थी उनमें क्लोजली रिलेटेड जेनेरा इट मीन्स जीनस जितने भी जीनस क्लोजली रिलेटेड थे उन्होंने उनको एक साथ एक फैमिली में रखा था देन डाइकॉट्स बिगिन विद द मोस्ट प्रोविटिव लिविंग एंज मैग्नोलीडेल्स और उन्होंने डाइकॉट में जो सबसे पहली जो सब क्लास रखी थी जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया था ये आपको याद होना चाहिए आपको हमें सारे याद नहीं हो फर्स्ट okay, और लास्ट या, याद होना चाहिए सो so इसका रीजन क्या है फर्स्ट अगर हमें याद है तो हमें पता चलता है कि किसी भी सब किसी भी क्लास में या किसी भी हम एनजीओ स्पम्प के किसी भी हम आ, लेवल की बात करें कैटेगरी की बात करें तो हमें पता चलता है कि सबसे प्रिमिटिव या सबसे आ, जो एडवांस्ड है सबसे इवॉल्व जो क्लास है सब क्लास की कैटेगरी so, में, में तो और डीमेरिट्स क्या थी प्रोवाइड्स क्लासिफिकेशन ओनली अप टू द फैमिली लेवल जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी में देखा उन्होंने जीनस और स्पीशीज के बारे में इतना नहीं बताया था इस सिस्टम को उन्होंने फैमिली लेवल तक ही रखा था दस इट इज नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफिक

जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है एनजीओ पंप्स का वो कैसा है इट uh, मीन्स इनके जो टेक्सा फ्रेंड्स आपको पता है ऑन टेक्सा, टेक्सा वो के प्लूरल वर्ड है इट मींस जो जितनी भी उन्होंने कैटेगरीज दिए वो कैसे दिए एकदम नैरो दिए इट मीन्स उनमें पर्टिकुलर कुछ ही जो रिलेटिंग ग्रुप्स हैं वो उन्होंने साथ में रखे दूसरों को दूसरी फैमिलीज में रखा लाइक हम फैमिलीज़ की बात करें तो उन्होंने 488 एटी फैमिलीज़ भी बनाई है 104 हंड्रेड फैमिलीज़ बनाई है इट मींस जितने भी उन्होंने एक कैटेगरी में जितनों को शामिल किए वो बहुत कम है जिसकी वजह से क्या है फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स एंड uh, समझने के लिए आप देख सकते हैं एक क्लासेस में एक क्लास में फोर्टी बच्चे हैं आपने उसको चार ही ग्रुप्स में डिवाइड करा है इट मीन क्या होगा एक ग्रुप में टेन टेन स्टूडेंट्स हैं अगर आप उसको फर्दर और ज्यादा आठ ग्रुप्स में एट ग्रुप्स में डिवाइड करते हो तो क्या होगा एक ग्रुप में फाइव स्टूडेंट्स आएंगे और फर्दर आप उसको कम में डिवाइड करते हो सो तो उस टाइप से उन्होंने क्या किया था इन्होंने बहुत ज्यादा नैरो टैक्सा बनाया है कैटेगरीज जो है वो बहुत छोटी बनाई है जिससे क्या हुआ कि कुछ रिलेटिंग ग्रुप्स जो थे वो स्प्लिट हो गए और अलग अलग फैमिलीज या अलग अलग कैटेगरीज के अंडर चले गए सो so, ये जो मेन डीमेरिट है तखते जाने के सिस्टम की वो यही है ओके फ्रेंड सो